In this session, we will learn what is private cloud. What is private cloud? So, as the name suggests, private cloud. That is private cloud. In private cloud, there is included apps, hardware, network, security and storage. अब private की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आएगी security, that is security, और we will say that is the dedicated resources. What is dedicated resources? For what is dedicated? Dedicated for like business or like organization. Particular किसी business और organization के लिए ही these requirements. What is application, hardware, network or security and storages. ये एक पर्टिकुलरली उनके लिए ही यूज कर सकते हैं वो लोग. व्हाट इज फॉर डेडिकेटेड रिसोर्सेस, दैट इज फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस. सो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस. सो व्हाट द प्राइवेट क्लाउड डू, दे कैन बी फिजिकली लोकेटेड at organization, on site data centers. Particular organization के ही premises में और business location पे आपको ये implement करके देगा और available रहेगा. That is physically located at organization on site data center. Or it can be hosted third party service provider. Suppose अब मेरी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जो कि मुझे प्योरली प्राइवेट क्लाउड पे होस्ट करनी है. सो मैं क्या करूंगा, एक वेंडर को ढूंढूंगा. दैट इज सपोज एक वेंडर का नाम लेते हैं AWS और माइक्रोसॉफ्ट Azure. अब मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट प्राइवेटली इसके प्राइवेट क्लाउड पे होस्ट कर दूंगा. वो वेबसाइट सिर्फ मेरे ही जो जिसको मुझे एक्सेस देना है उनको ही वो एक्सेस होगी, और एक प्राइवेटली सिक्योरली एक नेटवर्क से ही वो एक्सेस होगी. बट वी विल सी एग्जांपल लेटर. सो इट कैन बी अ फिजिकल लोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइट डेटा सेंटर्स, और इट कैन बी होस्टेड ऑन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. बट दिस सर्विसेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, the services and infrastructure, that is what we can say, unki services or infrastructure dono bhi maintained hoga on the private network. Dono bhi maintained hoga on the private network. Kisi ko bhi uska access nahi hoga. But jiski services liye private cloud, to wo easily they can मैनेज और कॉन्फिगर उनके हिसाब से, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि वो मैनेज कर सकते हैं और खुद के लिए वो कॉन्फिगर कर सकते हैं एज द रिक्वायरमेंट. बट द प्राइवेट क्लाउड इज ओनली एक्सेसिबल बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ATS करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इनको ही एक्सेस कर सकते, दैट इज अदर देन कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन, इनक्रिप्शन इन नेटवर्क, ऐसी बहुत सी चीजें रहेगी जिसमें जो जिसने इस सब्सक्रिप्शन किया होगा प्राइवेट क्लाउड को वो ही एक्सेस कर सकता है. बट वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, दैट इज प्राइवेट क्लाउड. So it is more flexibility. It gives more flexibility to make it for an organization to customize its resource to meet a specific requirement. अगर किसी organization को specific requirement लगती है तो they can order or they can subscribe the private cloud, that whatever the requirements of particular organization or businesses.
most important in private cloud, that is basically in private there is a so much of improved services like security. Baki aapko public mein, in public cloud mein aapko hardly kam pay karna padta hai, less cost, not more secure, but in private there is a resources are not shared with the others and higher level of control. आपको इसमें एक तो रिसोर्स किसी कोई शेयर नहीं कर सकता है और दूसरी चीज ये हायर लेवल ऑफ कंट्रोल आपको दे सकते हो, जैसे रीड राइट और परमिशन देना है किसी को, तो किसी पर्टिकुलर यूजर को, तो आप सिर्फ उसी को ही परमिशन दे सकते हो. सो ही और शी विल बी एक्सेस योर डेटा लाइक एप्लीकेशन. सो इट गिव्स ऑल्सो हाई स्केलेबिलिटी, दैट इज ऑन डिमांड रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स मिलेंगे एंड मेंटेनेंस from the vendor and they give the access to manage or configure as per their requirement for those who are subscribed for the private cloud services. So in we will see some examples for that. So private cloud used by first one, that is government agencies. भाई सबसे ज्यादा जो प्राइवेट क्लाउड यूज होता है वो होता है गवर्नमेंट एजेंसीज में, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन मिड टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हाईली सिक्योरली काम होता है वहां पे, देन इंश्योरेंस एजेंसीज जहां पे बहुत लोगों का डेटा अवेलेबल है जो कि सबसे ज्यादा प्राइवेटली एक्सेस हो सकता है, तो वहां पे आपका ज्यादा यूज होगा, दैट इज प्राइवेट क्लाउड. वी कैन से दैट इज बैंक. Again, sales bank, in banking sector there is a some restrictions. Bank ke ab koi bhi bank mein chale jao jahan ka wo network rahega, bahar access kar nahi sakte aap. That is the some reason because of firewall. The reason is improved security because of advanced level of firewall is available for in only private cloud. So this is all about the private cloud. In next video we will see, that is hybrid cloud.